अच्छे दिन Hey guys, it's Vyash and welcome back to the another episode of Manchester Derby. तो भाई कुछ नया नहीं है, वही है जो हम पिछले दो तीन महीनों से होते हुए देख रहे हैं. We have been battered by Manchester City. We have been battered in Old Trafford once again. हम एक तरीके से clueless, helpless और एक ऐसी टीम दिख रहे थे जो कि जिसको बस फील्ड पे छोड़ दिया है, 11 बंदों को फील्ड पे छोड़ दिया है ये फिगर आउट करने के लिए कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लो और हो सके तो कुछ कराना, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, वी हैव प्लेंटी ऑफ एक्सक्यूजेस टू डिफेंड आवर सेल्फ. यस, एंड दिस वॉज पर्टिकुलरली फॉर Ole Gunnar Solskjaer के ही लिए था. लेकिन वापस आते अपने एपिसोड पे, ये मैं ट्राई करूँगा कि यार मैं इस एपिसोड को रात में ही अपलोड कर दूँ और उसके लिए कहीं ना कहीं हम इस एपिसोड को एक तरीके से सेमी अनस्क्रिप्टेड करने वाले हैं. मैंने मैच के दौरान, इस समय यार 8:15 बज रहे हैं, मैंने मैच के दौरान जो भी लिखा था मैं उसी पॉइंट्स को इस एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूँ विदाउट एनी मच स्क्रिप्ट वगैरह. तो आई होप कि मैं इसको रात तक अपलोड कर दूं. एक चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आपको ये लग रहा है या फिर आपको किसी ने कह दिया या फिर आपने किसी डिबेट करते हुए देख लिया कि ओके यहाँ पे लिवरपूल जितना कहीं ना कहीं चीर रन हमारा नहीं हुआ है, 2-0 से हमारे हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं एक ओन गोल है, मिसअंडरस्टूड और पागलपंथी मत करो. सही बता रहा हूँ मैं, ये लिवरपूल से भी ज़्यादा बदतर हो सकता था थैंक्स टू डेविड देहा, जिसपे हम डेफिनेटली हम उस पर और बात करेंगे. उससे भी ज़्यादा बदतर हालत हो सकती थी और दोनों में बहुत सिमिलर सिचुएशन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर अभी के लिए मैं एक लाइन में आपको बताऊँ ना, लिवरपूल से ज़्यादा बदतर ये मैच हो सकता था हमारे लिए. लेकिन आयरनी की बात करते हैं तो दो पॉइंट्स मेरे को लगे, जितने शॉट्स सिटी ने हमारे गोल पे मारे हैं उतने तो टच हमारे सिटी के पेनल्टी बॉक्स में भी नहीं है. लाइक इतनी बदतर हालत है हमारी इस टीम की इस समय. उसी के बाद जितने शॉट्स हमने अपने गोल पे मारे हैं उतने शॉट्स हमने सिटी के गोल पे नहीं मारे हैं. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. लेवल देख रहे हो तुम, सेवेजरी का लेवल देख रहे हो तुम यूनाइटेड की इस टीम का. इससे बदतर और क्या हो सकता है कि हम एक रिव्यू एपिसोड में, एक मैनचेस्टर डर्बी के एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों को ये पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, यूनाइटेड की टीम ये हाईलाइट निकल के, और नोबडी इसके कोई नहीं बचेगा भाई, ना रोनाल्डो को कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं छुप सकता. और Ole Gunnar Solskjaer की तो यार बात ही करेंगे डेफिनेटली. आपको पता है कि देखो हाँ यूनाइटेड का मैच है और मैं थंबनेल में और टाइटल में ओले आउट ना लिखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन एक नज़र डालते दोनों टीम्स की फॉर्मेशन पे. यूनाइटेड की बात करें तो मैंने यार आपके सामने प्रेडिक्शन एपिसोड में भी ये आर्ग्यूमेंट रखा था आपके सामने और मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने उस चीज़ को अप्रूव करा कि यूनाइटेड को बैक फाइव के साथ जाना चाहिए था और वो बैक फाइव के साथ गई. यहाँ पे एक मेरे ख्याल से सारी प्रिडिक्टेबल लाइनअप थी, बस यहाँ पर एक सरप्राइजिंग था कि मेसन ग्रीनवुड को अंदर लाया गया, रैशफोर्ड को यहाँ पर बाहर किया गया. एक स्लाइटली यहाँ पे आपको बता दूं कि शायद से रैशफोर्ड के साथ थोड़ा मेडिकल कंसर्न था, लेकिन अगर उसको भी हटा दें यहाँ पे और सीधा ऑन पिच परफॉर्मेंस की बात करें तो क्योंकि यार मेसन ग्रीनवुड को Ole Gunnar Solskjaer ने ज़्यादा मिनट्स दिए हैं और ये हम देखो कोलैप्स में भी पॉडकास्ट की बात करें या फिर हम प्रेडिक्शन एपिसोड की बात करें, इस पर हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मैच होने वाला है जहाँ पे Ole Gunnar Solskjaer एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, उसको सेफ खेलना है, उसको लिवरपूल जैसा चिरन नहीं करना है. लेकिन ऑफकोर्स हमारे हिसाब से कहाँ होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हिसाब से पिछले 3 महीने से हुआ ही क्या है जो आज होगा. अगर यहाँ पर सिटी की फॉर्मेशन की बात करें तो 4-3-3 जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइनअप थी यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 थी. यहाँ पे जैक ग्रिलिश को बाहर बैठाया गया और रहीम स्टर्लिंग भी यहाँ पे बाहर थे. बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो कि ऑन पिच 4-1-5 फॉर्मेशन थी. आई होप यू कैन इमेजिन इट. 4 एट द बैक, रॉड्री वॉज द सिंगल सी डी एम और 5 थे यहाँ पर फिल फोर्डन, गैब्रियल हेजूस, उसके बाद केविन डिब्रोइन, इलकाय गुंदोगान एंड बर्नार्डो सिल्वा. इसी के साथ बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो कि है फर्स्ट हाफ वर्सेज सेकेंड हाफ. अब देखो यार ये मैंने पर्टिकुलरली रखा है और ये कोई टैक्टिकल पॉइंट मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है. यहाँ पर फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो यार एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी हमारे अगेंस्ट आता है तो वो पहले हाफ में काम कर जाता है अपना, जिससे मतलब देखो यार ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करोगे या नहीं करोगे. अगर हम कंसीड कर रहे हैं पहले, चाहे एक गोल कंसीड करें, दो गोल कंसीड करें, और उसके बाद अगर हम सेकेंड हाफ में जाके अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, वो हमारा मास्टर क्लास नहीं है, वो हमारा एंटरटेनिंग फुटबॉल नहीं है. हमारा एंटरटेनिंग फुटबॉल तब काउंट होगा, हमारा एंटरटेनिंग फुटबॉल तब काउंट किया जाएगा जब हम लेवल टर्म्स पे होंगे. समझ रहे हो यार, आई मतलब देखो यार
यूनाइटेड आगे वर्सेस लिवरपूल 5-0 से धो दिया, 4 गोल पहले हाफ में मार दिए। एटलांटा जब ओल्ड ट्रैफोर्ड में आए थे 2 गोल मार दिए थे पहले हाफ में 20 मिनट के अंदर। हाँ, इवेंचुअली हमने वहाँ पे कमबैक कर लिया था। सिटी 2 गोल के दोनों गोल फर्स्ट हाफ में आए। तो ये स्टैट्स हैं यार, ये स्टैट्स हैं, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास चाहे रोनाल्डो हो, भाई रोनाल्डो भी रोनाल्डो है तो इंसान ही भाई, चाहे ब्रूनो फर्नांडिस, ये सुपरस्टार्स भी एक लिमिट तक ही गेम चेंज करके देंगे। ये वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुरुआत में मैंने आपको कहा कि एक टीम ऐसी लग रही है कि 11 बंदों को फिगर आउट करने के लिए छोड़ दिया है। इसी के साथ कहीं ना कि सेकेंड हाफ की बात करें, अब देखो यार, कल के प्रेडिक्शन एपिसोड में मैंने आपके सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा था कि डिस्पाइट कि हम यहाँ पे 4-1-2-1-2 या फिर 4-2-3-1 के साथ जाएंगे, अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि हम किसी मिड टेबल टीम के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी रेलिगेशन बैटलिंग टीम के अगेंस्ट नहीं है, हम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप टीम्स, बेंचमार्क है इस समय यूरोपियन फुटबॉल में, उसके अगेंस्ट अटैकिंग फुटबॉल। सेकेंड हाफ में अटैकिंग फुटबॉल खेला और आयरनी देखें कि अटैकिंग फुटबॉल खेलने के बाद भी देर वॉज जीरो टचेस इन देयर पेनल्टी बॉक्स, जीरो टचेस इन देयर पेनल्टी बॉक्स। और ये बताता है कि किस तरीके से हमको यहाँ पे बुली किया गया, पूरी टीम को यहाँ पे बुली किया गया, पूरी टीम को, देयर वाज लिटरली नो कोऑर्डिनेशन। आपको मैं बता दूं कि मैनचेस्टर सिटी, द ओनली रीजन मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे सिर्फ 2 ही गोल स्कोर किए, उसका एक रीजन है डेविड दे है और दूसरा रीजन है कि कभी सिटी को मारने ही नहीं थे और गोल। आपको याद होगा कि लिवरपूल वाले एपिसोड में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि 60-70 मिनट के बाद लिवरपूल सिर्फ ट्रेन कर रहा था, लिवरपूल प्रैक्टिस कर रहा था। सेम मेरे को पता है कहीं ना कहीं सिटी की तरह लग रहा था कि दे वर एक्चुअली जस्ट वेरी कैजुअल, वो अपने जो फाइनल गियर होता है ना अटैकिंग गियर, वो उसमें थे भी नहीं, वो बहुत कैजुअल थे। यूनाइटेड के प्रेस की बात करें, रद्दड़ प्रेस, बहुत रद्दड़ प्रेस, और उसका ना ब्रूनो फर्नांडिस वाली पॉइंट पे हम कवर करेंगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जो कि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं। डेविड दिया की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बदतर गेम हो सकता था हमारा, लिवरपूल से भी ज़्यादा बदतर हो सकता था अगर ये बंदा यहाँ पर हमें ना बचाता। ऑफकोर्स आप में से काफ़ी लोग, आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने उस पॉइंट को नोट कर लिया होगा जब दूसरा गोल हमने कंसीड किया था। यस, ही कुड हैव डन इट बेटर, ही कुड हैव डन इट बेटर, सही में वो ही कुड हैव डन इट बेटर, बट अगेन 6-7 बार उसने बचाने के बाद कहीं ना कहीं ये उसकी गलती आई है। तो अगेन हम गलती को भी यहाँ पे काउंट करेंगे, लेकिन वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट कि इस बंदे ने हमको लिटरली पूरे फर्स्ट हाफ, इसने लास्ट का जो 20-25 फर्स्ट हाफ के 20-25 मिनट थे लास्ट के, उसने हमको बिल्कुल बचा के रखा था। अगर अदरवाइज हम इतना गोल कंसीड कर रहे थे, और ये तब तक हम 5 एट द बैक खेल रहे हैं, समझ पा रहे हो आप, और तब तक जब यूनाइटेड के सिटी के पास कोई स्ट्रॉन्ग बुली सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, बहुत ही मतलब ऑफकोर्स दे हैव टेक्निकल प्लेयर्स, बट स्टिल कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम ये कहेंगे कि भाई ये तो बुली कर देगा, ये तब हो रहा था हमारे साथ। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे प्लेयर की जो कि है सिटी की तरफ से, बर्नार्डो सिल्वा। भाई साहब ये बंदा, इस बंदे ने हमको याद, आज भी याद है कि समर ट्रांसफर विंडो में ऐसा लग रहा था कि बर्नार्डो सिल्वा अब कहीं ना कहीं सिटी को छोड़ सकता है, जो पेप गार्डियोला का पैकिंग ऑर्डर है उसमें नीचे आता हुआ दिख रहा है, बट किस तरीके से इस बंदे ने अपने आप को रिडीम किया है, इट्स जस्ट ट्रूली रिमार्केबल। मेरे को आज भी याद है 18-19 सीजन में इसको एहतियात प्लेयर ऑफ द सीजन मिला था, ये उस फॉर्म को टच कर चुका या मे बी उसको सरपास भी कर चुका होगा। और आपको मैं बता दूं, मेरे को आई नो आप में से काफ़ी लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, बट इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग कि बर्नार्डो सिल्वा इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है केविन डिब्रोइन को हर एक एरिया में, एंड इट इज़ डेफिनेटली ही इज़ द सिटीज बेस्ट प्लेयर। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एरिक बे की, और इसको मैंने सोलली सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसने ओन गोल स्कोर किया है। अब देखो यार, एरिक बे की मैं गलती नहीं मानूंगा, आप चाहे हेट कर सकते हो, आप एरिक बे को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकते हो, मैं उसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा। अगेन मैंने उसको 4 बार 5 बार 6 बार देखा है मैंने उस इंसिडेंट को, और आपको बता दूं कि लिंडलॉफ भी ऐसे ही कर सकता था। ये सिस्टम ही ऐसा है कि आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंदर डाल देता है, धक्का दे देता है आपको, आपको लिटरली 90 मिनट एक ऐसी टीम के अगेंस्ट है जो कि आपको 90 मिनट दबा के रखने वाली है। लाइक चार एक पेनल्टी बॉक्स है मैन यूनाइटेड का, 4 प्लेयर यूनाइटेड के हैं तो 5 प्लेयर सिटी के हैं, तो कैसे गलती नहीं होगी, कैसे गलती नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि एरिक बे ने यहाँ पे कोई डेविलियर वाला शॉट मार दिया, स्कूप मार दिया, ऐसा तो नहीं है, बट ये गलती सिस्टम की है, ये गलती प्रेशर की है। और क्यों बार बार, ये देखो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टीम हमें क्यों इतनी आसानी से प्रेस कर पाती है, बल्कि हम जब प्रेस करते हैं तो बिल्कुल क्लूलेस, कोई प्रेस ही नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की, क्योंकि प्रेस की बात आई है ना, तो ब्रूनो फर्नांडिस के रिगार्डिंग एक टैक्टिकल पॉइंट मैंने आज ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि देखो यार, ब्रूनो फर्नांडिस का वर्क रेट 5-स्टार वर्क रेट है भाई, कोई कमी नहीं है, बंदा भाई 90 का 180 मिनट भाग सकता है अपनी टीम के लिए। लेकिन यार ये जब भागता है ना, ये जब वर्क रेट करता है, जब प्रेस करता है, तो ये थोड़ी गलती करता है, और वो गलती है कि ये स्पेसेस छोड़ता है पीछे।
अब आप इमेजिन करो कि 5-3-2 की फॉर्मेशन में हम यूनाइटेड के खेल रहे हैं, आपको स्क्रीन पे 5-3-2 की फॉर्मेशन दिख भी गई होगी। अब यहाँ पर आप इमेजिन करो कि जब ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर प्रेस करेगा, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर रोनाल्डो प्रेस कर रहा है तो बस रोनाल्डो ही प्रेस कर रहा है, अगर ब्रूनो प्रेस कर रहा है तो फिर ब्रूनो ही प्रेस कर रहा है, पूरी टीम कभी प्रेस करती ही नहीं है एक साथ। आप लिवरपूल को देखो, आप सिटी को देखो, आप किसी भी टॉप यूरोपियन टीम को देखो, बायर्न को देखो, भाई भीड़ की तरह चिपकते हैं। द मोमेंट यूनाइटेड हैड द बॉल, सिटी के 4-5 प्लेयर एकदम से इतना प्रेस करते हैं कि हम पोजीशन लूज कर देते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर मैं कहूँगा कि फ्रेड ने यहाँ पर बहुत बार इस एरिया को कवर किया है, एंड दैट्स वाई मैंने आपको बार बार कहा है कि डिस्पाइट के जो फ्रेड है वो कितना ज़्यादा बदनाम हो या फिर कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज हो, बट स्टिल फ्रेड वो काम करके दिखाता है। और वो काम है कि भागना और स्पेस कवर करना, जो कि हमें नेमानिया मैथिज कवर करता हुआ नहीं देखेगा और जो कि हमें पॉल पोगबा डेफिनेटली कवर करता हुआ नहीं देखेगा। इसी के साथ बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि क्या ओले गुनर सोलशायर की जॉब अब खतरे में है, क्योंकि देखो यार मैंने थंबनेल में तो डाल ही दिया उसे और टाइटल में भी डाल दिया, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो देखो यार ऑफकोर्स एपिसोड की शुरुआत में मैंने इतने बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स बताए आपको इस मैच के रिगार्डिंग, तो खुश होने चाहिए। ओले गुनर सोलशायर के रिगार्डिंग कोई वर्स्ट सिनेरियो है, मेरे को नहीं लगता कि ये एक ऐसा सीन है। अगर हम ये सीन बायर्न म्यूनिख में डाल दें, ये सीन रियल मैड्रिड में डाल दें, ये सीन हम यहाँ पर कहीं ना कहीं PSG में डाल दें, तो कोई भी मैनेजर यहाँ पर इसको सर्वाइव कर सकता है। हेल, यहाँ पे जोसे मोरिनो स्पर्स में सर्वाइव नहीं कर सका, तो कहीं ना कहीं, लेकिन ओले गुनर सोलशायर सर्वाइव कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्यों? क्योंकि उसने 3 साल से यहाँ पे एक स्टेबिलिटी लेके आए हैं, एक 3 साल और कोई आइडेंटिटी नहीं है फुटबॉल की। आई डोंट नो आप इस पर कितना रिलेट करोगे, बट मैं आज एक बार फिर से इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मानो ना मानो, बट ओले गुनर सोलशायर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जोसे मोरिनो की तरह खिलवा रहा है टीम को, थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा खिलवा रहा है। दूसरी चीज़, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। जितना मैं एम्फसाइज इस चीज़ पे करने वाला हूँ कि ओले को सैक कर देना चाहिए या फिर हमको मूव ऑन करना चाहिए, हमको ये भी काउंटर करना चाहिए, ये भी काउंट करना चाहिए कि द सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपके मन में, मेरे मन में, हम जितने भी पॉडकास्ट कोलैब करते हैं, जो पैनल्स होते हैं वहाँ पे, उनके ही मन में यार बहुत नाम है, लेकिन सबको पता है कि इस समय 2 ही बंदे हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूमर्ड हैं, ज़िनेदिन ज़िदान एंड एरिक टेन हैग। अब देखो, एरिक टेन हैग की बात है कि बंदा छोड़ने को तैयार नहीं है मिड सीजन एजेक्स को, और उसके पास पूरा राइट है भाई, उसको पूरी फ्रीडम दी जाती है, उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। एजेक्स एक ऐसा क्लब है जो कि फुटबॉल ओरिएंटेड लगता है, प्लेयर लगता है भाई, लगता है कि दे बिलीव इन एंटरटेनिंग फुटबॉल। वो खुद अभी उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो सेमीफाइनल तक का सपना देख रहे हैं, हम यहाँ पे यूरोपियन टॉप टीम्स को यहाँ पे फ्रस्ट्रेट करेंगे और उनके नाक पे दम करके रख देंगे। ज़िदान की एक बात करते हैं, तो देखो पर्टिकुलरली मैं ज़िदान पे ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़िदान को हम परस्यू कर सकते हैं, ज़िदान को हम कन्विंस कर सकते हैं। रोनाल्डो, वरान, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि ज़िदान के अंडर रह चुके हैं, एंड डेफिनेटली यूनाइटेड कितनी भी ख़राब परफॉर्मेंस हो, कितने भी ख़राब यहाँ पे दिन चल रहे हैं, यूनाइटेड इज़ यूनाइटेड, मैनचेस्टर विल रिमेन रेड। आप में से कोई मैनचेस्टर सिटी का फ़ैन होता है, बुरा मत मानना, बट स्टिल यार दिल की बात है, मैनचेस्टर इज स्टिल रेड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्लब एंड द बिगेस्ट क्लब डेफिनेटली।